एसीपी सुनील हूँ, दिल्ली पुलिस में जॉब करती हूँ। एसीपी है दिल्ली पुलिस में। मेरे को 2006 में अटैक आया था, एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया था। उसके बाद ये अटैक किसका आया है तो बताओ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मल्टीपल, ये MS, SLE ऐसी बीमारियां हैं तो MS हो गई इसको। MS का था सर। हाँ, फिर? फिर उसके बाद वो दवाइयाँ देते रहे, इंजेक्शन लगाते रहे वीकली अल्टरनेट डेज पे, पर उससे कुछ आराम हुआ नहीं। फिर 2009 में मैं पतंजलि आई, यहाँ से मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू किया और तब से अब तक आयुर्वेद और योगा से और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना काम बड़े अच्छे से करती हूँ। मेरा नाम रोमन सोनकुसरे है। मैं नागपुर से आई हूँ। पहले मैं गोंदिया में रहती थी जिस समय मुझे ये बीमारी पता चली। असेली, उसको लूपस भी बोलते हैं। हाँ, लूपस। ये एक असाध्य बीमारी है। मैंने डॉक्टर को पूछा है क्यों हुआ मुझे, तो बोले कि ये जेनेटिक बीमारी है। मैं घर का सिंपल ही खाना खा के सादी लाइफ जीती हूँ, पर पता नहीं मुझे ये कैसा आया। मैंने तो यही बार बार तुम्हारे परिवार में तो है किसी को? नहीं है, किसी मेरे को नहीं है। मेरे उन्होंने तो बोला जेनेटिक है, पर मुझे मेरे परिवार में किसी को नहीं दिख रहा था। फिर उसको मैं एलोपैथी लिया 6 महीने, मुझे बहुत साइड इफेक्ट होना चालू हो गया। मेरे हाथ पैर में फोड़े आने लग गए, बाल झड़ना चालू हो गया था, स्किन नीली पीली ऐसे होते जा रहे। इसमें वही ट्रीटमेंट देते हैं जो कैंसर में दे देते, क्यों मो चला देते हैं। आस्था चैनल देख के मैंने स्वामी जी का प्राणायाम चालू किया। ये कब की बात है? 2007 के जून में मुझे डायग्नोज हुआ था, 2006 के दिसंबर में। मैंने 7 से प्राणायाम का चालू किया, 8 में कस्तूरचंद पार्क नागपुर में मैंने शिविर अटेंड किया। हाँ, नागपुर का पहला बड़ा शिविर था। मैंने कंटिन्यू लगी रही प्राणायाम में सुबह शाम, हस्बैंड बैंक में, मैं दोपहर में भी करती थी। हाँ। मुझे परिवार वालों ने भी बहुत साथ दिया और मैं घर पे जैसे उस समय गोमूत्र पियो स्वामी जी बोलते थे। हम मुझे पतंजलि का शॉप भी नहीं था, मैं मेरे दूध वाले से बोलती थी गोमूत्र ला दीजिए, वो ला के देते थे। मैं 8 फोल्ड कॉटन के कपड़े से छान के उसको फ्रिज में रख के 8 दिन चलाती थी, फिर वो ला के देते थे। हाँ, मैं ऐसे ही बोलता था पहले, जब पतंजलि का भी नहीं मिलता था तो मैं करता था कॉटन में छान करके पियो उसको। और गेहूं का ज्वारा, गिलोई, तुलसी पत्र, नीम पत्र, इसका जूस सुबह शाम दोनों टाइम लेती थी और प्राणायाम कंटिन्यू जितना स्वामी जी बोलते थे वैसे ही करती थी। आज मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं 2006 से सारी रिपोर्ट्स लेके आई हूँ, अभी निगेटिव वाली भी है मेरे पास। और सारी WBC RBC प्लेटलेट्स तो मेरे हमेशा डाउन रहते थे, वो अभी बहुत अच्छे हैं। राम अग्रवाल। राम, हे राम, फिर क्या हुआ था? मेरा 2 साल पहले डायग्नोस हुआ था राइट किडनी में साइनोवल सार्कोमा, जो जनरली टिश्यू का रहता है। फिर राइट किडनी सर्जरी करके निकाल दी गई, फिर 2.5 साल में दोबारा रीअकरेंस हो गया। ये दोबारा होता है। हाँ, पहले ऑपरेशन, फिर रेडिएशन की उम्र से फूकते हैं, पहले काटते हैं, फिर फूकते हैं, फिर मरते हैं, ये सीक्वेंस है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लंग्स में नोड्यूल्स है, बुला गया, जगह जगह आना शुरू हो गया। हाँ, उसका फिर हमने बायोप्सी ये सब तो नहीं कराया, कहीं ना कहीं लग रहा था कैंसरस है। उसके बाद स्वामी जी के आए और उससे काफ़ी फ़ायदा रहा। हमारा रिपोर्ट अब रिग्रेशन दिखाई दिया है नोड्यूल्स में भी, और अब पूरा ही होपफुली अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और सूर्य प्रताप खुर्जा बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरे को एक्जिमा और डर्मेटाइटिस दोनों मिक्स हो गई थी। अब बीमारियाँ भी ना, इनका भी ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर इनके भी कच्चे बच्चे हो जाते हैं, बीमारियों का कुनबा मिक्स हो गया। और पूरे ये हाथों में और थोड़े से पैरों में छोटे छोटे दाने हो गए थे और उनमें से पानी निकलता रहता था हर टाइम। पूरे दिन पोंछते रहे इनको, पूरे दिन परेशान रहते थे निकाल निकाल के, पूरे दिन भर रिसता रहता था ऐसे पैरों में भी। हाँ, पैरों दिख में रहा है। रातों रात अचानक कई बार एकदम रिएक्शन होता है। फिर पहले तो हमको लगा कि कोई ऐसी गर्मी से दाने निकल गए हैं, पर फिर एक संग धीरे धीरे बहुत तेजी से फैला। अब क्या हाल है? ये अब तो सारे दाने सूख गए हैं और सूखने के बाद
क्या कहते हैं सूखने के बाद खुरंड भी हटना स्टार्ट हो गया 5 दिनों में, मात्र 5 दिनों में दाने सूख गए और खुरंड आना शुरू हो गया, वो नई चमड़ी आ रही। प्रवेश मौर्य जी कोलकाता से 47 के हैं, 18 वर्षों से 60 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। कहाँ पर बैठे हैं ये? हाँ खड़े होना बेटा। 60 यूनिट इंसुलिन, और अब क्या हाल है बेटा? अभी मैं इंसुलिन बंद हो गया 17 वर्ष से, और मैं सिर्फ अपनी योगा और आपका खान पान से स्वस्थ फील कर रहा हूँ। और शुगर कितनी आ रही है अभी? 140-150 में आ रही है शुगर, 140-150 शुगर आ रही है। 60 इंसुलिन बंद हो गई, कितने दिन या आते बंद हो गई? हाँ सर बंद कर दिया, पहले ही दिन से बंद कर दी। इसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। 15 साल से थायराइड था बीना जी को, और यूट्रस में कैंसर, उसको भी ठीक कर लिया। भाई बीना के लिए तो जोरदार अभिनंदन बनता है भोपाल से। यूट्रस का कैंसर, ये बहुत हिम्मत का काम है, कैंसर का तो नाम सुनते ही डर जाते हैं। कब से था? हमको 20 साल से थायराइड था, अभी 5 साल से बिल्कुल गोली बंद हो गई, 100 mg की गोली चलने लगी थी। 100 mg की गोली बंद, उसके बाद 2014 में हमको कैंसर डिटेक्ट हुआ यूट्रस में, डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी 20 दिन बाद। हमने 20 दिन बहुत कपाल भांति करी, पूरी पूरी रात करते थे उसके बाद, हाँ दिन रात बस ही था हमको ठीक होना, क्योंकि हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई तो बहुत टेंशन में थे। फिर हमारे ऑपरेशन तो स्वामी जी हुआ, मगर उसमें रिपोर्ट में कहीं कोई कैंसर नहीं आया, ना कोई थेरेपी चली। लो ये बड़ी बात थी, वो गांठ तो निकाल दी, उसका कैंसर खत्म कर दिया बहन ने, और आज रेडिएशन की उम्र कुछ नहीं चला। मेरा नाम सुभाष, महाराष्ट्र नंदुरबार जिले से हूँ। मुझे फिस्टुला का प्रॉब्लम था, 8 सालों से बहुत दर्द हो रहा था, तकलीफ थी। मुझे ये पतंजलि में यहाँ इलाज के बारे में जब पता चला, तो मैं जून महीने में 23 जून 2023 से यहाँ पर एडमिट हुआ। तभी से आज तक ट्रीटमेंट चल रहा, और ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा। अभी लगभग मुझे 5.5 महीने तो हो चुका है, और मुझे काफ़ी आराम मिल चुका है, और 8 दिन में और मेरा डिस्चार्ज भी हो जाएगा, इतना काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैं पतंजलि संस्था को और सभी कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी ने जो निर्माण किया है पतंजलि संस्था, वो बाबा जी एक ईश्वरी रूप है, इनके आशीर्वाद से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गुजरात भरूच से आया हूँ, नवीन चंद्र ठाकुर लाल भट्ट मेरा नाम है, और मुझे AVM का प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने 2.5 साल पहले डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए भी बोल लिया था, ऑपरेशन का देख भी लिया था, बैंक का यहाँ मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। तो मैं अप्रैल में आया था, और अप्रैल में आके यहाँ की कंटिन्यू गवाह किया है, तो अभी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। अभी मैं दोबारा आया हूँ, और वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। 40-50 का प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हो गई है, लेकिन फोर्थ के का तो एक विल टेक टाइम, आई मैं समझ रहा हूँ, तो उसी लिए देर लग रहा है, लेकिन बाजी मुझे काफ़ी अच्छा है। लेकिन बीच में थोड़ा मुझे पैरालिसिस का स्ट्रोक आ गया था, मुख्य BP था उसके लिए, लेकिन उसकी भी दवाई आज यहाँ डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब ने अकॉर्डिंगली दवाई दिया हुआ है मुझे। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपके यहाँ भी हमको बहुत अच्छी सर्विस मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके स्टाफ को और सब डॉक्टर्स को। मेरा नाम जसवंती बेन नवीन भाई भट्ट है, भरूच। मैं पहले यहाँ से आने के पहले डॉक्टर ने मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन को बोल दिया था, लेकिन अप्रैल में आई थी तब से वहाँ यहाँ की दवा मुझे चालू है, और अभी आई है तो डॉक्टर ने पहले बोला था, अभी बोला था अभी नहीं आया है, 6 महीने के बाद आएगा, तो अभी यहाँ से मुझे अच्छा लगा है और रिकवरी आ गई है, आती है तो यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा नाम दीपक है, मैं हिसार से हूँ। मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, उसमें अभी सिंगी लगवाई मैंने 2 बार, तो उसमें अभी मुझे काफ़ी रिलीफ है, 60-70% आराम है, और मेरा वेट भी 3.5 kg कम हो गया है। मैं हिसार से आई हूँ, मेरे घुटनों में दर्द था, सिंगी लगवाई है, सिंगी लगवाने से आराम है। मैं 40 मिनट लगाती थी इंसुलिन की, अब मेरी 40 की 40 बंद है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ, और मैं यहाँ पर आया था उन परेशानियों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से थी,
और नाम लूँ मैं उनका, तो जैसे मुझे सांस लेने में तकलीफ हुआ करती थी, घुटनों में दर्द हुआ करता था, और गैस, तीनों वात, कफ और पित्त, तीनों ही चीज़ें ऐसी थीं जो कि मुझे परेशान कर रही थीं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तो मेरा आज छठा दिन है और मेरे घुटनों का दर्द तो गायब हो गया है, और बचा कफ। कफ तो ऑलमोस्ट बस मुझे फील होता था कि अभी रहेगा कि नहीं रहेगा, आज मुझे फील होना भी बंद हो गया है। अब बचा कि मुझे वात, कफ, पित्त, तीनों चीज़ें हुआ करती थी, तो अभी ना वात है, ना कफ है, ना पित्त है। मैं खोज रहा हूँ लेकिन तब भी नहीं मिल रहा। और यहाँ का जो स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो ऐसे हैं, जितना आप पूछिएगा वो दस बार भी आपको बताएंगे। कोई इरिटेशन नहीं है, आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ के खाने की अगर मैं बात करूँ तो खाना तो ऐसा है कि आप वो स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए आप खा रहे हैं, और आपको स्वाद भी स्वास्थ्य के साथ साथ मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ की सब्ज़ी की बात मैं करूँ तो उन्होंने नाम भी ऐसे रखे हैं जैसे ATM। ATM का नाम अगर मैं लेता हूँ तो लोग पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन ATM को यहाँ पर स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। खाने में सब्ज़ी कड़वी ज़रूर है, लेकिन उसका जो स्वाद है कड़वा है, लेकिन उसका असर बहुत मीठा है। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर अगर आप आ गए तो आप ये सोचिएगा आप आएंगे लेकिन आपके रोग चले जाएंगे। तो मैं इतना कह सकता हूँ। और उसके अलावा जो यहाँ पर स्टाफ है, थेरेपी है, वो थेरेपी भी इस तरह से दी जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो जो थेरेपी हैं, थेरेपी इस तरह से दी जाती हैं कि जहाँ आपको परेशानी है, क्या परेशानी है, कैसी परेशानी है, यहाँ के थेरेपिस्ट भी डॉक्टर हैं, वो इस तरह से थेरेपी देते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आइए, अपना इलाज कराइए, और केवल आप वापस जाइए, आप बीमारी यहीं पर छोड़ के जाइए। मेरा नाम देव पूजन प्रसाद गौरव थारू, हम नेपाल से बीरगंज, बिहार का बॉर्डर रक्सौल के सामने बीरगंज, वहाँ से हम आए हैं। रहा इससे पहले हमको जॉब होल्डर थे, तो जॉब होल्डर में हमको टाइम नहीं मिलता था, मगर हमारा पूरा ट्रस्ट था बाबा स्वामी रामदेव जी में, पतंजलि में पहले से विश्वास था कि वहाँ जाएंगे तो मेरा जो बैक पेन है वो ठीक होगा। बहुत हम चेक कराए थे ठौठों में, धरान में, बहुत हॉस्पिटल में भी चेक कराए थे, तो डॉक्टर साहब ले डॉक्टर साहब भी फीडबैक दिए थे, नहीं आपको ऑपरेशन। तो हमको बैक पेन था, भारी लगता था, तो मेन समस्या था बैक पेन का। तो हम सोचे थे कि हम जब जाएंगे वहाँ पतंजलि वेलनेस में, देखिए ऐसे आपका टीवी से भी हम देखे तो उससे भी हमको प्रभावित होता था, पेशेंट सब भी बोलता था कि कोई भी बीमारी हो तो पतंजलि वेलनेस में जाने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट करते, वही रिक्वेस्ट सोचकर हम नेपाल से विश्वास लेकर आए, जिसका हम दो दिन में यहाँ आपका थेरेपी में हम साथी लोग से बहुत मिलनसार साथी लोग हमको मिला, सहयोग किया, और उससे अच्छा हमको क्या है कि थोड़ा सा रिलीफ है, अच्छा ही रिलीफ हमको महसूस हो रहा है, तो पॉजिटिव ही हमको लगा। थेरेपी का प्रत्येक टीम बहुत सहयोगी लोग मिला, और मैडम मेरा भी मैडम संगे संगे जिसका नाम है माला देवी, उनका घर भी बीरगंज है, और उनका ज्वाइंट पेन है, और आशा रखे हैं कि हो सके तीन महीना के दवाई दिए हैं, तीन महीना के दवाई के बाद जरूर जो गाइडलाइंस दिए हैं डॉक्टर साहब, गाइडलाइंस जो दिए हैं वो गाइडलाइंस को हम लोग फॉलोअप करेंगे, और विश्वास है कि भविष्य में 100% चेंज होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इससे हम पतंजलि परिवार को हम धन्यवाद देते थे कि प्रत्येक बीमारी को अच्छा तरीका से जो सुविधाएं दिए हैं, कोई कमी नहीं, कोई कमेंट नहीं है। मेरा नाम पंकज बाबूलाल भोजक, मैं नासिक से आया हूं, मेरी उम्र है 50 साल, और मैं 2022 16 दिसंबर में को बीमार हुआ था, तो मेरे को डॉक्टर ने बताया था अगर तीन दिन लेट हो जाता तो आपको पहले से आ जाता, तो बहुत सारी मेरे दिमाग में गांठें थी, मैं भूल जाता था, कोई चीज़ कहीं रखी है वो भी भूल जाता, लाइट चालू किया बंद करना भूल जाता था, ये सब मेरे प्रॉब्लम थे। मेरे को किसी ने बताया कि पतंजलि चलते हैं, तो मैं भी उनके साथ आया, और मेरे को यहाँ सात दिन का कोर्स है, लेकिन आज 6 दिन हुआ है, 6 दिन में बहुत रिलीफ लग रहा है, और मैं तो अभी और चाहूँगा कि 6 महीने के बाद वापस आऊँ यहाँ पर और मेरा ट्रीटमेंट कराऊँ। अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा वेट भी 2 किलो कम हो गया है, और मेरे को स्मरण शक्ति जो कम हो गई थी वो भी थोड़ी थोड़ी
रिकवर हो गई। मेरा नाम सविता प्रवीण मोरे, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नासिक मेरा गांव है। मेरे घुटने में दर्द था, पेट में बहुत सूजन आई थी, सर में दर्द होता था, पित्त बढ़ गया था, लेकिन यहाँ आके मुझे आराम मिला। अच्छा, सब अच्छा हो गया है। चलने हिलने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं सीढ़ी चढ़ सकती, उतर सकती। पहले मैं सीढ़ी चढ़ भी नहीं सकती, उतर भी नहीं सकती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है और सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छी मिली है। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं लखनऊ से आई हूँ। मुझे यहाँ आने पर बहुत आराम मिला है, थेरेपी बहुत अच्छी यहाँ की है। मेरी पीठ में और कमर में बहुत दर्द था, अब आराम हो गया है। यहाँ का नेचुरलिटी बहुत अच्छी लगी मुझको और मुझे बहुत रिलीफ मिला है यहाँ आने पर। मेरे सिर में भी बहुत दर्द था, अब बहुत आराम हो गया है। यहाँ के जो उसका वो हैं, सब स्टाफ बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मतलब हेल्प भी करते हैं और थेरेपी भी बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। बहुत अच्छा ही सब कुछ है। यहाँ आने पर हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमें यहाँ ज़रूर थेरेपी लेना चाहिए। लोगों को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए और यहाँ सब अच्छा है, सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो भी यहाँ आएगा रिलीफ मिलेगा उसको। मेरा नाम होमेंद्र कुमार साहू, मैं आरंग रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ बीपी, शुगर और लीवर, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल के लिए इलाज करने के लिए आया था पतंजलि योगपीठ। अभी मेरे को 80% रिजल्ट आ गया है और शुगर और बीपी तो नॉर्मल बता ही रहा है और 2.5 किलो मेरा वजन भी कम हो गया है। यहाँ बहुत अच्छा चिकित्सा होता है और सबसे बढ़िया मेरे को यहाँ का सिरोधारा और ठंडा गरम, ये सबसे बेहतरीन लगा मेरे को। मेरा नाम रामेश्वर चंद्राकर है, मैं आरंग से हूँ, आरंग रायपुर जिला, रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक है, मैं यहाँ आने से पहले मेरा गैस बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था और साथ में मेरा फैटी लीवर हो गया था और इसमें मेरे वजन भी ज़्यादा ही बढ़ रहा था। इस यहाँ आने के बाद जो मेरे से मसाज थेरेपिटिक जो हुआ है ना, उस और जो यहाँ पे डाइट जो चल रहा था उसके हिसाब से मेरी जो वजन है 4 किलो कम हो गया है ना, और बहुत ज़्यादा ही आराम लगा मेरे को। मेरा नाम भजन सरकार है, मैं आसाम से आया हूँ, उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट टोंगला। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ का बारे में बाहर से सुना, टीवी में देख के सुना। मैं आया था मेरा वजन घटाने के लिए, थोड़ा प्रेशर भी था और मोटापा के साथ आई, थोड़ा नज़दीकी प्रॉब्लम था। मैं यहाँ का जो व्यवस्थाएं है, पूरा स्टाफ जितना है सब कोऑपरेटिव है, अच्छा है। मुझे 7 दिन मैं इधर यहाँ था, सब कुछ अच्छा लगा। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई समस्या है तो यहाँ आके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम शिव प्रकाश नारायण, मैं बिहार भभुआ कैमूर जिले का निवासी हूँ। मैंने पतंजलि के बहुत सारे एड्स एवं टीवी पर देख करके से प्रेरित हुआ और मैं अपने इलाज के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। मैं मोटापा, मैं अपने मेरा वज़न 1 क्विंटल 102 kg था और मुझे स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम था। मैंने इसका इलाज यहाँ कराया, थेरेपी कराई और यहाँ के लोगों की मेहनत से मेरा वज़न लगभग 5 किलो कम हुआ। 7 दिन की इस सत्र में मुझे यहाँ के लोगों का पर्याप्त सहयोग मिला। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और सहयोगी हैं और यहाँ की थेरेपी, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का इन्वायरमेंट हमको काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं सुधाकर यादव लखनऊ से आया हूँ और मुझे बाएं घुटने में हल्की सी प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। मैं यहाँ आकर 7 दिन प्रवास किया हूँ और मुझे लगभग 95% फ़ायदा है। घुटने में श्रृंगी की थेरेपी से काफ़ी लाभ पहुंचा है और यहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं या थेरेपी देने वाले लोग हैं उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। मैं असम से आया हूँ, मेरा नाम है श्री जगदीश चंद्र। मेरा किडनी का प्रॉब्लम था, यहाँ
पतंजलि के आने के बाद हमारा 50% बहुत आराम मिला। यहाँ का स्वच्छता सेवक का व्यवहार नीति बहुत अच्छा है, इनको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो ये शासन नीति है वो हमको बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का निवासी हूँ। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित था, यहाँ लगभग 7 दिन रुका हूँ और मेरी स्वास्थ्य में 80% तक सुधार है। इंसुलिन लेवल, जो इंसुलिन लेता था उसका स्तर भी बहुत कम हो गया है। यहाँ के थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स का स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं प्रतिभा खरे महाराष्ट्र से आई हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में भद्रावती से, और मैं ऑर्नेस फैक्ट्री जूनियर कॉलेज में मैं जॉब करती हूँ। मेरे मिस्टर को जरूर डॉक्टर ने इनिशियल स्टेज पे कैंसर बताया था, तो हम लोगों ने प्लान किया। हम लोगों ने पहले मिडास में दिखाया, फिर हैदराबाद में दिखाया, तो वहाँ डॉक्टरों ने मिस्टर को सीधा ऑपरेशन बता दिया था। तो हमने गूगल किया और स्वामी जी का प्रोग्राम तो हम लोग देखते ही थे, तो हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, कहीं कुछ भी नहीं कराना है और सीधा हरिद्वार आते हैं, पतंजलि में करेंगे जो भी लेना है ट्रीटमेंट। तो हम लोग इसी के लिए आए थे। तो मैं अपना बताना चाहूँगी कि हल्की फुल्की जैसे घुटने में प्रॉब्लम थी, कमर में प्रॉब्लम थी, यहाँ वहाँ दर्द होता था, जॉइंट्स पेन होता था, और सबसे बड़ा हमको थायराइड का प्रॉब्लम था। तो हम जब से यहाँ आए और हम लोग यहाँ करीब 1 महीना रुके, तो 1 महीने के अंदर हमारे सारे जॉइंट्स पेन ठीक हो गए और थायराइड भी हमारा एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि एकदम से बंद नहीं करना दवाई, तो दवाई कंटिन्यू रखना है 1 महीना, लेकिन सब कुछ ठीक है। वेट भी हमारा कम हो गया है और करीब 3 किलो वेट कम किया, और सब कुछ खा पी के अच्छे से जो डॉक्टर साहब ने लिखा था वही खाया, और यहाँ आके जो फ़ायदा मिला इतना अच्छा लगा। एक एक चीज़ यहाँ की गजब है, अद्भुत है। सारे जो थेरेपिस्ट हैं, जो थेरेपियाँ होती हैं, वो इतनी बढ़िया हैं, चमत्कारी है, अद्भुत है। और जो थेरेपिस्ट बहने हैं वो इतना प्रेम से, प्यार से सब कुछ करती हैं कि मन खुश हो जाता है। हमें तो ऐसा फील हुआ कि स्वर्ग में आ गए, हम सच बता रहे हैं। और ये थेरेपियां बाहर कहीं मिलने वाली भी नहीं। और एक अद्भुत जानकारी हम आपको और देंगे कि हमने यहाँ पे श्रृंगी लिया था। हमारे घुटने के पीछे थोड़ा मसल्स में खिंचाव होता था, पालथी मारने में दिक्कत होती थी, तो श्रृंगी लेने से अगले दिन बिल्कुल हम अच्छे से पालथी मार के बैठ पाए सुखासन में, और बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से वो तकलीफ हमारी गायब है। और इसके अलावा हमने कायरो भी लिया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा चाल में हल्का सा राइट हैंड साइड में झुकाव हो रहा था, तो कायरो लेने से भी हमारी चाल ठीक हो गई, हम सीधा चलने लगे, और थायराइड में फ़ायदा हो गया, और वेट कम हुआ। मतलब इतना सब कुछ फ़ायदा मिला है, हर चीज़ यहाँ की बहुत बढ़िया। खाना भी इतनी बार नाश्ता खाना देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में काढ़े देते हैं, मेडिकेटेड पेय देते हैं, लंच अच्छा है, डिनर अच्छा है, और शाम को फिर से 5 से 6 के बीच में फिर से ड्राई फ्रूट मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं। मतलब जो लोग कुछ भी बोलते हैं वो बिल्कुल टोटली गलत है, यहाँ बिल्कुल अच्छा मिलता है। आपकी बीमारी के हिसाब से आपको ठीक करने के लिए दिया जाता है भाई, यहाँ आप आए हैं ठीक होने के लिए, ना कि खाने पीने के लिए, तो वही सब कुछ दिया जाता है। तो अगर पॉजिटिवली लेंगे तो बहुत अच्छा है। साफ सफाई नंबर 1 है, जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं सब इतने सहयोगी हैं, मिलनसार हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, फर्स्ट टाइम आए सब कोऑपरेट करते हैं। मतलब आप लोग ज़रूर आइए जिसको भी जो प्रॉब्लम है, और यहाँ आना ही चाहिए साल में 1-2 बार। तो मैं यही सबको आपको मैसेज दूंगी कि बहुत सब कुछ अच्छा है, और बाबा जी स्वयं मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब ऐसे ईश्वर तुल्य स्वामी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म होनी ही होनी है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लोग यहाँ अवश्य ही अपने जीवन में आए। तो इतना ही कम कह रही हूँ, और लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो ज़्यादा ही पाएंगे। मेरे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वेरिकोस वेन का, सेकंड बीपी, थर्ड आई साइट
में जो कोरोना उसका प्रॉब्लम था। यहाँ करके मैंने देखा कि रेगुलर योग करने से साथ साथ जो ट्रीटमेंट लिया उससे काफ़ी एडवांटेज मिला। मुझे लगता है कि मैंने महसूस करता हूँ कि लगभग इन बीमारियों में मुझे 50% लाभ हुआ। मैंने पूछा यहाँ पर कि कोई पार्किंसन का कुछ प्रॉब्लम है या किसी को बीपी का प्रॉब्लम है या किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया कि आप ये यहाँ पे बैठो, आप देख लीजिए यहाँ मरीज बैठे हुए हैं, इन लोगों को बहुत एडवांटेज हुआ। उनसे मैंने इंट्रैक्शन किया तो पता लगा कि वो रेगुलरली 2 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, उनको काफ़ी एडवांटेज, वेट में जितना लॉस हुआ उनका ये पूछो मत, मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। मेरा नाम शशांक मांडलिक, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आया हूँ मैं, और मैं अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर के आया। मेरे मम्मी को शुगर थी जो 350 के आसपास थी, जो 150 के आसपास हो गई है, और मेरे पापा को वेरिकोज बेंस की प्रॉब्लम थी जो कि उनको लीच थेरेपी की गई और ठीक हो गया। काफ़ी आँखों की समस्या थी, उसके लिए आई वॉश वगैरह किया गया और शटकर्म थेरेपीज काफ़ी अच्छा यहाँ पर, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत अच्छा, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, और कई तरह की जितनी तरह की थेरेपीज हैं वो। और दूसरी बात ये कि मैं बाबा रामदेव का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और उनके साथ आस्था चैनल पे 5 बजे से 1 घंटा योग करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, मैं पहली बार आया हूँ और हर साल मैं आया करूँगा यहाँ पर।